नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्निशियन पर। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 की बहुत ही बड़ी अपडेट में आपका स्वागत है। अपडेट क्या होने वाली है, अब तक कर पहुंच ही गई होगी, थंबनेल भी आपने देख लिया होगा। अपडेट यह होने वाली है कि जो बचे हुए 38,000 जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के छात्र थे, यानी कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और जो है कि अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र थे, जिनका पैसा जो है कि ट्रांजेक्शन फेल होने के कारण या फिर अन्य जो रिजल्ट नहीं आने के कारण, ऐसे जो कारण थे जिनके कारण पैसा नहीं आया, उनको लेकर देखो जो है कि प्रस्ताव पारित किया गया था आपको सदन में, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में बताया था, तो उसको जो है कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो उसके बाद सवाल ये आ रहे थे कि इसका टाइम टेबल कब जारी होगा, नोटिस कब जारी होगा, क्योंकि उस चीज को बीते करीब 10 दिन से ज्यादा हो गए थे, 2 हफ्ते हो गए हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ था। तो फाइनली आप लोगों के लिए जो है कि न्यूज निकल कर आ गई है, नोटिस निकल कर आ गई है, डेट निकल कर आ गई है। अगर आपके घर अखबार आता होगा तो आप देखोगे तो वहां पर आपको देखने को ये मिल जाएगी। तो क्या टाइम टेबल जारी किया है, कब से करेक्शन आपको करने को दोबारा मिलेगा, क्या करेक्शन करने होंगे, उसके बाद पैसा कब मिलेगा, तो मैंने यहाँ पर ही बता दिया आपको, 30 अगस्त डेट बता दी है, 30 अगस्त तक मिलेगा। वो सारा हम लोग इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि टाइम टेबल क्या होने वाला है, करेक्शन जो है कि कब से होने वाला है और साथ में किनको करेक्शन करना होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। देखो अगर आप सही अपडेट पाना चाहते हैं जैसे इस तरह की, तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। नया सेशन भी आ गया है, उसमें भी आपको जो है कि जरूरत पड़ेगी नए नए अपडेट्स की। चलिए लाइन से बात करते हैं, आखिर में क्या जो है कि जारी किया गया, क्या नोटिस है, क्या न्यूज है। देखो अखबार में जो है कि आज की चारों तरफ आप कोई भी अखबार आप उठा के देखोगे आपको ये वाली खबर देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को एक और मौका, 15 से आवेदन, ये ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद और आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पर 15 से दोबारा खुलेगा दसमोत्तर छात्रवृत्ति पोर्टल, परीक्षा परिणाम न घोषित होने के कारण 37,793 छात्रवृत्ति से वंचित रह गए। उन्हीं के लिए है, वही जो 38,000 हम लोग जिनको बोल रहे थे, 38,000 बोला था असीम अरुण ने, तो वही 38,000 जिनकी ये भी हम बात कर रहे हैं, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के छात्र हैं। यहाँ देख लीजिए वही सेम चीज लिखी है कि छोटे छात्रों की 30 अगस्त तक शुल्क भरपाई, जो वही 37,000 के करीब में जो है कि है। और यहाँ पर देखिए, तो अलग अलग जितने भी अखबार हैं आपके पास जो भी आता होगा आप उठा कर देखोगे आपको ये खबर देखने को मिल जाएगी। तो सबसे ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, हम लोग इसी से जो है कि रेफरेंस लेके समझेंगे कि क्या क्या टाइम टेबल में लिखा गया है। देखो लाइन से पढ़ते हैं चीज़ें, तभी आपको क्लियर होंगी। देखो पिछले वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रहे दसमोत्तर छात्राओं के 37,000 से अधिक छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल 15 जुलाई से दोबारा खोला जाएगा। आज कितनी जुलाई है, 9 जुलाई आज है, मतलब 5 से 6 दिनों के बाद, यानी कि 15 जुलाई से जो है कि आप लोगों के लिए दोबारा पोर्टल ये लोग खोलेंगे। उसमें क्या करना होगा, उसमें करेक्शन के लिए ही पोर्टल खुलेगा। यहाँ पर देखो, पिछले वित्तीय वर्ष यानी कि 23-24 में समय से परीक्षा परिणाम न घोषित होने सहित अन्य कई कारणों से, देखो यहाँ पर एक डाउट यही है कि जो ब्लॉक वाले छात्र हैं उनका स्पेसिफिकली जिक्र नहीं किया गया, उनके लिए क्या किया जाएगा, जिनके बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके ब्लॉक दिखा रहे हैं। तो यहाँ देखो लिखा तो नहीं है कि ब्लॉक वालों का किया जाएगा, लेकिन एक चीज़ लिखी हुई है, अभी भी पॉजिटिव एक चीज़ है, क्लियर नहीं बोला, लेकिन देखो यहाँ पर लिखा ना कि जिसका रिजल्ट नहीं है, परीक्षा परिणाम नहीं हुआ, उसके अलावा अन्य कई कारणों से। अब उस कई कारणों में पता नहीं कौन कौन से कारण है, एक तो ट्रांजेक्शन फेल होने वाले हैं वो तो कन्फर्म है, ट्रांजेक्शन फेल और रिजल्ट नहीं आने वाले, ये दो कैटेगरी तो इन्होंने मेंशन ही कर दिया है हर जगह। इसके अलावा कौन से लोग इसमें करेक्शन कर पाएंगे अभी ये क्लियर नहीं है, ये जब पोर्टल खुलेगा तभी पता लगेगा। और ऑफिशियल नोटिस अभी समाज कल्याण का जो है कि जब आ जाए एक बार जो है कि ये डेट तो आप उन्हीं की द्वारा जारी की गई है, लेकिन उन्होंने अभी इसको वेबसाइट पर रिलीज नहीं किया है, एक बार जब वहाँ आ जाए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ कौन लोग करेक्शन कर पाएंगे, तो जब लिखा है कि जिनका रिजल्ट नहीं है और अन्य कारणों से जिनका जो है कि पैसा नहीं आया है, उसमें कितने छात्र हैं, 37,793 छात्र छात्राएं वंचित रह गए हैं। सामान्य वर्ग के 9,100 हैं, पिछड़ा वर्ग के 25,479 हैं और अल्पसंख्यक के 3,214 छात्र छात्राएं हैं। नियमानुसार छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति अगले वित्तीय वर्ष में नहीं मिलती है, वही जो मैंने आपको पहले भी समझाया है, तो वही चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन समाज कल्याण मंत्री असीम अरूड़ के प्रयासों से सरकार ने इन वंचित छात्र छात्राओं को इस सत्र जो है कि छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है, मतलब कि नए वाले सत्र में भी पिछले सत्र का देने का ये लोग मतलब डिसीजन नहीं। देखो वित्तीय वर्ष 24-25 में छात्रवृत्ति देने के लिए दोबारा पोर्टल खोलने का फैसला किया है। इस दौरान वंचित छात्र छात्राएं तय समय से अपने ऑनलाइन छात्रवृत्ति के आवेदनों में संशोधन कर उसे आगे बढ़ा सकेंगे। वही देखो लिखा है कि आपको करेक्शन करना पड़ेगा, आपको जो है कि इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। अब करेक्शन देखो उन्हीं लोगों को करना, जैसे देखो किसको करना, जिनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था उनको तो करना ही पड़ेगा। अब जिनका ट्रांजेक्शन फेल हुआ उनको कोई करेक्शन ऑनलाइन नहीं करना, बस उनको एक ही करेक्शन करना था, बैंक से रिलेटेड करना था, जो भी ट्रांजेक्शन फेल होने का कोई कारण था आपको वो चीज़ सही करानी थी। जैसे जिनका एनपीसीआई हट गया था, एनपीसीआई करानी है, बैंक से कोई ट्रांजेक्शन के
लिमिट लगी है तो वो सही कराना है, बैंक से और कोई दिक्कत हो वो सही करानी है। उसके अलावा ऑनलाइन करेक्शन उन्हीं लोगों को करना है जिनका रिजल्ट नहीं आया है, या फिर उसके कारण मिसमैच हुआ हो, या कुछ इस तरह के कारण जो ऑनलाइन आप चेंज कर सकते हो, तो उनको ही करेक्शन करना होगा। देखो, संशोधन कर उसे आगे बढ़ा सकेंगे। समाज कल्याण निदेशालय की ओर से तैयारित संभावित समय सारी के तहत 15 जुलाई से 24 जुलाई के बीच वंचित छात्र छात्राएं पोर्टल पर अपने ऑनलाइन आवेदनों में पिछले साल का जो है कि पिछले साल के परीक्षा परिणाम को ठीक कर सकेंगे। मतलब जो करेक्शन का पोर्टल खुलेगा वो खुलेगा 15 से लेकर 24 के बीच में। तो ये आपके लिए एक डेट हो गई, ये हो गई करेक्शन की डेट हो गई। और हम आपको एक बार यहाँ पर मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि ये जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के वो छात्र हैं जो पिछले सेशन में जिनका पैसा नहीं आया है, 2023-24 की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये उसका करेक्शन पोर्टल और उसकी चीजें हैं यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। साथ ही अन्य गलतियों में सुधार कर सकेंगे, मतलब सिर्फ ये नहीं करे रिजल्ट नहीं और बाकी भी गलतियों को सुधार कर सकेंगे। 16 से लेकर 30 जुलाई के बीच में जो है कि छात्र छात्राएं जो है कि ऑनलाइन आवेदन की मूल प्रति जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करेंगे। मतलब आप करेक्शन कीजिए, उसके बाद 30 जुलाई तक आपका टाइम होगा, आप उसको जमा कीजिए हार्ड कॉपी। शिक्षण संस्थान इसी दौरान दस्तावेजों का मिलान करके उसे सत्यापित कर आगे अगर शायद करेंगे। 31 जुलाई से 22 अगस्त तक छात्रवृत्ति पोर्टल संबंधित प्रक्रिया को पूरा कर पांच लाभार्थी छात्र छात्राओं के खातों में 30 अगस्त 2024 तक छात्रवृत्ति का पैसा पहुंच जाएगा। यहाँ देखिए डेट लिखी हुई है कि जो पैसा भेजा जाएगा वो कब भेजा जाएगा, 30 अगस्त तक भेजा जाएगा। मतलब जुलाई में सारी एक्टिविटी होंगी, अगस्त तक पूरी एक्टिविटी होंगी और आखिरी में जाके 22 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में पैसा आपके खाते में भेजा जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए डेट निकल कर आ गई है जिसका आप लोग वेट कर रहे थे कि पैसा कब भेजा जाएगा, भेजा जाएगा इन्होंने बोला था और इन्होंने अपने वादा पूरा किया है। जो सदन में बात कही थी मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि अगर इन्होंने बोला है, अगर इसको सदन में पारित करा लिया है, बात कर लिया है कि पैसा भेजना है तो पक्का भेजेंगे, बस डेट जारी नहीं हुई थी। अब वो आप लोगों के लिए डेट भी जारी कर दी उन्होंने, 30 अगस्त तक जो है कि आपको पैसा दे दिया जाएगा। करेक्शन की डेट आपने देख ली, 15 से लेकर 24 के बीच में करेक्शन होगा। 30 जुलाई तक आपको जो है कि अपने हार्ड कॉपी स्कूल में कॉलेज में जमा करना पड़ेगा कॉलेज में, उसके बाद जाके जो है कि आपका फॉर्म फॉरवर्ड होगा कॉलेज से और वेरीफाई किया जाएगा दोबारा से, और आपका 22 से लेकर जो है कि 30 अगस्त के बीच में जो है कि छात्रवृत्ति का पैसा भी पहुंच जाएगा। समाज कल्याण निदेशक कुमार प्रसाद ने बताया कि शासन से अनुमति मिलने के बाद पोर्टल खोलने को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मतलब इन्होंने ऑलरेडी जो है कि प्रिपरेशन शुरू कर दी है, मतलब आज ऑलरेडी 9 तारीख हो गया, 15 तारीख से पोर्टल इनको खुलना है। तो ये आप लोगों के लिए पूरा जो है कि खुशखबरी की बात है। सुबह सुबह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो आपके जो दोस्त भाई बहन जिनका पैसा नहीं आया उनको ये सारा टाइम टेबल जो है कि मालूम लगना चाहिए। ये आप अपने घर पे अखबार आया होगा उसमें भी पढ़ सकते हैं, सब लगभग हर न्यूज़ में आया हुआ है, लखनऊ वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगा या एजुकेशन वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ये था सेम ही चीज़, देखो ये बाकी भी कटआउट्स में वही सेम चीज़ बाकी न्यूज़ में भी लिखा हुआ है, इसमें ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ था इसलिए मैंने इसको रेफर किया। तो ये सारे हैं टेलीग्राम चैनल पर भी, आप में से किसी ने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखे हैं ऑलरेडी, टेलीग्राम चैनल पर मैं इसे अपलोड कर दूंगा इस वीडियो के बाद। अगर आपके पास टेलीग्राम है तो आप तुरंत जुड़ जाइए, नीचे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ग्रुप दोनों की लिंक मिल जाएगी, वहीं पर आपको ये नोटिस न्यूज ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको टाइम टेबल पूरा समझ में आ गया होगा। अब विस्तारित टाइम टेबल आएगा उस पर अलग से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग के लिए यही टाइम टेबल जो है कि जारी हो गया है जो कि लगभग सही ही है। सो चलिए गाइस, वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्निशियन।